526번 सुनिएगा। 526번 문제입니다. 526번 문제입니다. 526 नंबर सवाल है। 언제 극장에 갈 거예요? लड़की ने क्या सवाल पूछा है? ऑनजे खुकचांगे खल को ये यो। ऑनजे का मतलब होता है कब, व्हेन। खुकचांग बोलते हैं थिएटर को, सिनेमा हॉल को। ऑनजे खुकचांगे खल को ये यो, खादा का मतलब जाना और फ्यूचर टेंस लगा हुआ है। खल को ये यो, जाएंगे या जाने का प्रोग्राम है। ऑनजे खुकचांगे खल को ये यो, आप थिएटर में कब जाएंगे, आपका थिएटर कब जाने का प्रोग्राम है। सवाल को जहन में रखिएगा। अब ऑप्शन सुनते हैं। 1번 극장에 갔어요. 극장에 갔어요, 극장에 थिएटर में, खादा का मतलब जाना और यहाँ पे पास्ट टेंस लगा हुआ। खासो गया था, थिएटर में गया था। वो पूछ रही है कि आपने कब जाना है, कब जाएंगे, फ्यूचर में पूछ रही है, तो फ्यूचर में ही जवाब आएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जाएंगे खासो में, थिएटर में गया था। तो ये इसके सवाल से मैच नहीं करता। 2번 친구하고 가요. 친구 하고 가요, दोस्त के साथ जाऊंगा, दोस्त के साथ जा रहा हूँ या जाऊंगा। चिंगू आगो खायो, दोस्त के साथ जा रहा हूँ या दोस्त के साथ जाऊंगा। सवाल उसने पूछा कि आप कब जाएंगे, ये तो नहीं पूछा कि आप किसके साथ जाएंगे। ज्यादा ये भी सही नहीं होगा। नंबर 3 को सुनते हैं। 3번 내일 갈 거예요. नेल थल को ये यो, नेल बोलते हैं आने वाले कल को, टुमारो खादा जाना, तो फ्यूचर टेंस लगा हुआ है तो क्या बनेगा, खल को ये यो, नेल थल को ये यो, कल जाऊंगा। अब देखें सवाल क्या था, ओंजे खुकचांगे खल को ये यो, आप फ्यूचर में, सॉरी, आप में थिएटर में कब जाएंगे, फ्यूचर टेंस था ना। तो यहाँ पे भी देखें फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, नेल खल को ये यो, कल जाऊंगा। वहां पे भी फ्यूचर टेंस था और यहाँ पे आंसर भी फ्यूचर टेंस में ही है, नेल खल को ये यो, कल जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैचिंग करता है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथे को भी सुन लेते हैं। 4번 영화가 재미있어요. 영화가 재미 있어요, यंगवा बोलते हैं मूवी को, छेमी इत्ता बोलते हैं फनी, यानी अच्छा होना, इंटरेस्टिंग होना। छेमी सोयो, यंगवा का छेमी सोयो, मूवी अच्छी है, मूवी इंटरेस्टिंग है या मूवी अच्छी है, मूवी इज द मूवी इज अ फन, इज फन। तो सवाल ये नहीं था, बल्कि सवाल क्या था, ओंजे खुकचांगे खल को एयो, आप कब थिएटर जाएंगे, नहीं खल को एयो, कल जाऊंगी या कल जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 527 नंबर को सुनिएगा। 527번 문제입니다. जी स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे 527 नंबर सवाल को, दोबारा सुनिएगा।언제 동대문 시장에 가요? हाँ जी, लड़की ने पूछा है ओंजे थोंगदेमोन शिजांगे खायो। ओंजे का मतलब हो गया कब, थोंगदेमोन जो है वो एक जगह है, उनकी जगह का नाम है थोंगदेमोन शिजांग, थोंगदेमोन मार्केट, थोंगदेमोन मार्केट बोल सकते हैं, एक मार्केट का नाम है। ओंजे थोंगदेमोन शिजांगे खायो, आप थोंगदेमोन शिजांग में कब जाएंगे। ठीक है, सवाल को जहन में रख के ऑप्शन सुनिएगा। 1번 집에 있어요. 일본 चिबे इसो, घर पे मौजूद हूँ या मैं घर पे हूँ। सवाल उसने पूछा आप कब जाएंगे मार्केट, मैं घर पे हूँ, ये जवाब सही नहीं बनता। 2번 주말에 가요. छुमरे खायो, इबोन पे उसने क्या बोला है, छुमरे खायो, छुमर बोलते हैं वीकेंड को, छुमरे खायो, वीकेंड पे जाता हूँ या वीकेंड पे जाऊंगा। अब देखेंगे, आपने एक चीज लिसनिंग के सवालों में जेन में रखनी है कि जिस टेंस के अंदर आपको सवाल होगा उसी टेंस में उसका मोस्टली जवाब भी होता है। ठीक है, जैसे उसने पूछा था ओंजे थुंगदेमुन शिजांगे खायो, आप थुंगदेमुन शिजांग कब जाएंगे, खायो खायो बोला था ना। तो यहाँ पे भी देखें एंड पे यो वाला वही टेंस लगा हुआ है, छुमरे खायो, वीकेंड पे जाना है, वीकेंड पे जाना है या वीकेंड पे जाता हूँ। ठीक है, या इसकी दूसरी ट्रांसलेशन ये भी हो सकती है, ओंजे थुंगदेमुन शिजांगे खायो, आप थुंगदेमुन शिजांग में कब जाया करते हैं, कब जाते हैं से मुराद कि आप रूटीन में कब जाते हैं। छुमरे खायो, मैं वीकेंड पे जाता हूँ, छुमरे खायो, वीकेंड पे जाता हूँ, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी दो भी सुन लेते हैं। 3번 식당에서 일해요. 식당에서 일해요, रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ, रेस्टोरेंट पे क्या करता हूँ, शिक्तांगेसो रेस्टोरेंट पे, इरहेयो काम करता हूँ, शिक्तांगेसो इरहेयो रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ। सवाल उसने पूछा था कि आप कब जाएंगे मार्केट, मैं रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ, ये उसका मुनासिब जवाब नहीं है। 4번 옷을 사려고 해요.
옷을 사려고 해요. 옷 बोलते हैं कपड़ों को. इसको यहां पे सीन इसलिए पढ़ा जाएगा कि सामने वावल आ गया. ओसल ओसल पढ़ा जाएगा, यानी कपड़ों को. सादा का मतलब होता है खरीदना. सारियों को है, खरीदने हैं या खरीदने का प्रोग्राम है या खरीदना चाहती हूँ या खरीदना चाहता हूँ. ओसल सारियों को है, मैंने कपड़े खरीदने हैं, मैंने कपड़े खरीदने हैं. तो उसने ये तो नहीं बोला, पूछा कि आपने क्या खरीदना है. उसने पूछा था कि ओंजे तुंगदेमुन शिजांग खायो, आप तुंगदेमुन शिजांग कब जाते हैं. तो सही आंसर क्या होगा, छुमारे खायो, वीकेंड पे जाता हूँ. ठीक है, 528 को सुनिएगा स्टूडेंट्स. 528번 문제입니다. 528번 문제입니다. 528 नंबर सवाल है जी. 지수 씨는 취미가 뭐예요? सवाल उसने क्या किया, 지수 씨는, ये किसी का नाम है, 지수 씨 किसी का नाम है. 지수 씨는 취미가 뭐예요? 취미 बोलते हैं हॉबी को, मशगले को, कि आपका हॉबी क्या है. 지수 씨는 취미가 뭐예요? 지수 씨 आपका हॉबी क्या है. तो हॉबी क्या चीज होती है, हॉबी आपका शौक होता है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं. कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई फुटबॉल खेलना पसंद करता है, कोई मछलियाँ पकड़ना पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है. ठीक है, तो जिस चीज़ को आप लाइक करते हैं उसे हॉबी बोलते हैं, हॉबी. ठीक है, अच्छा जी, अब ऑप्शन सुनते हैं. 1번 저것은 제 가방이에요. 1번 पे क्या बोला है, 저것은 제 가방이에요. 저것은 वो वाला, छोगो जो आपको नजर आ रहा है वो, छोगो सुन छे मेरा खाबांगी है, यो बैग है. छोगो सुन छे खाबांगी है, यो वो मेरा बैग है. उसने हॉबी पूछा है और आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरा बैग है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा. 2번 저기가 우리 회사예요. 저기가 우리 회사예요. 저기가 वो, 우리 हमारी, 회사예요 कंपनी है, वो हमारी कंपनी है. उसने पूछा कि आपका हॉबी क्या है, उसके जवाब में हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारी कंपनी है, ये भी मुनासिब नहीं है. 3번 저는 태국에서 왔어요. 저는 태국에서 왔어요. 저는 में थेगुक थाईलैंड को बोलते हैं, कंट्री का नाम है. 태국에서 थाईलैंड से 왔어요 आई हूँ. 저는 태국에서 왔어요, मैं थाईलैंड से आई हूँ. उसने आपका हॉबी पूछा है, ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, लिहाजा ये भी सही नहीं होगा. 4번 저는 음악 듣는 것을 좋아해요. 저는 음악 듣는 것을 좋아해요. 저는 매 음악 뮤직 को बोलते हैं, 듣다 बोलते हैं सुनना. 음악 듣는 것을 म्यूजिक सुनने को जुआहेयो पसंद करती हूँ. 저는 음악 듣는 것을 좋아해요. मैं म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ. अब देखे सवाल क्या था, 지수씨는 취미가 뭐예요? 지수씨 आपका हॉबी क्या है, आपका मशगला क्या है, आपका शौक क्या है. तो वो जवाब में ये कह सकती है ना, 저는 음악 듣는 것을 좋아해요, मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और वही मेरा हॉबी है. यानी जो चीज़ आपको पसंद होती है, आपकी एक्टिविटी वही होती है ना, मोस्टली फारग टाइम में या जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपने हॉबी को ज़्यादा टाइम देते हैं. 저는 음악 듣는 것을 좋아해요, मुझे म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है. इट मीन्स कि यही उसका हॉबी है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा.